After watching a video on how to fetch data from NSE website, a lot of people have approached me regarding how do they do it, how do they fetch the Bank Nifty data on their computer by editing this sheet. Hey guys, to edit this sheet is difficult because I have coded a lot of things on the back end. Here I am posting another video and another sheets in the description below for Bank Nifty where you can download it and track the Bank Nifty data. If you have yet not watched Nifty NSE data fetching video, please click on the link और आप वो video देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं Bank Nifty का data हम कैसे fetch करें और ये Excel sheet को कैसे read करें। ये एक्सेल शीट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलरली शीट है वो अप्रैल मंथ की शीट है और फर्स्ट वीकली एक्सपायरी की भी शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसको वीकली से मंथली कैसे टर्न कर सकते हो और इसमें आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ढूंढोगे। तो जैसे आप देख सकते हो शीट नंबर 1 है, उसके अंदर कोड्स है, वहाँ पे आपको कुछ एडिट नहीं करना है। वहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट शीट है, वहाँ पे NSE का डेटा फैच होके आ रहा है बैंक निफ्टी का, वो 29th अप्रैल की एक्सपायरी का, जहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, एक्सपायरी डेट कौन सी हमने ली गई है, हमारी कॉल स्ट्राइक प्राइस क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम क्या है, लास्ट ट्रेड प्राइस क्या है, अंडरलाइंग वैल्यू अभी क्या ट्रेड हो रही है, सेम पुट साइड का और ये कॉल साइड का। यहाँ पे नीचे जैसे निफ्टी की साइड मैंने शीट में लिया हुआ था, वैसे ही यहाँ पे मैं टोटल ओपन इंटरेस्ट का PCR निकाल रहा हूँ और वो PCR को मैं ट्रैक कर रहा हूँ। हम थर्ड नंबर की शीट पे जाएंगे जो ओपन इंटरेस्ट, जो मैं एवरी डे ट्रैक करता हूँ। वहाँ पे जैसे निफ्टी की शीट में था सेम टू सेम वैसी ही शीट इसमें बनाई गई है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, अभी जो फिलहाल टाइम चल रहा है वही टाइम है, वो लास्ट जब फैच हुआ होगा NSE की वेबसाइट से वो टाइम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये आपकी बैंक निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस हो गई, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस वो स्ट्राइक प्राइस का हो गया, ये ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया। हम ये अभी मार्च मंथ में हैं और ये अभी मार्च की भी एक्सपायरी नहीं हुई है और ये शीट अप्रैल का है, इस वजह से यहाँ पे आप बहुत कम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो। जैसे हमने कॉल साइड पे देखा वैसे ही हम पुट साइड में देख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये सारी फील्ड हैं, वो सारी की सारी डायनामिक फील्ड है, यहाँ पे आपको कुछ मूव नहीं करना है, कुछ एडिट नहीं करना है। ये NSE का डेटा जो यहाँ पे प्लॉट हो रहा है NSE की वेबसाइट से, वहाँ से ऑटोमेटिकली फैच होके ये स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करके रहेगा। ये डायनामिक फील्ड्स हैं, जैसे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर नीचे होगा, जैसे जैसे उनकी स्ट्राइक प्राइस NSE की वेबसाइट पे चेंज होगी, वो एट द मनी प्राइस यहाँ पे भी चेंज होगी और ऊपर नीचे की स्ट्राइक प्राइस भी चेंज होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल साइड पे हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट साइड पे हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो कहाँ पे हमें अप्रैल की अगर एक्सपायरी में देखें तो रेजिस्टेंस मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे यहाँ पे पुट कॉल डिफरेंस दिया गया है, जहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट 10 स्ट्राइक प्लस 10 स्ट्राइक डाउन बैंक निफ्टी के अंदर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट नीचे 1000 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर OI कहाँ पे बिल्ड हो रहा है। मैं ये बैंक निफ्टी में 10 स्ट्राइक ऊपर और 10 स्ट्राइक नीचे इसलिए ट्रैक करता हूँ क्योंकि मैं इंट्राडे के लिए ये शीट को यूज़ करता हूँ। इंट्राडे के लिए अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स मूव करेगी तो मेरी शीट भी ये डायनामिक है तो 500 पॉइंट्स ऊपर चली जाएगी। तो अगर कहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन रहा है और बैंक निफ्टी वो बाजू जा रही है तो वो मुझे तुरंत पता चलेगा कि कहाँ पे बिल्ड हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। नीचे मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे एक सिग्नल लिया हुआ है जो यहाँ से डिफरेंस के हिसाब से सिग्नल प्लॉट हो रहा है कि अभी कौन से जोन में जा रहा है, मुझे आज के दिन पे सेल साइड पे रहना चाहिए या बाय साइड पे रहना चाहिए। ये सिग्नल का मतलब वो नहीं है कि आपको वो ट्रेड ले लेना चाहिए, वो तो आपको जब भी सपोर्ट के पास आए वहाँ पे अगर बाय का बनता है तो बाय करना है, या तो रेजिस्टेंस पे आए तो आपको सेल करना है। सेम वे मैं यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप 9 बजे आके यहाँ पे व्यू टैब में आके माइक्रोज ऑन करके यहाँ पे बैंक निफ्टी रन करोगे तो वो रन करने के बाद आप जैसे देख रहे हो ऑटोमेटिकली एवरी 5 मिनट ये डेटा फैच होगा और वो डेटा में यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट चेक करेगा
वो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट मिला के डिफरेंस निकालेगा और वो डिफरेंस यहाँ पे प्लॉट करेगा। आप इसका एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे डेटा बिल्डअप होता है और कितना स्ट्रांग कब कौन से अमाउंट पे कितना स्ट्रांग बिल्डअप माना जाता है और कितने वीक नंबर्स पे हम उसको वीक मानते हैं। उसी हिसाब का मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम निफ्टी के डेटा में मैं दिखा सकता हूँ आपको कि जो डेटा बना हुआ है तो आप देख सकते हो जैसे निफ्टी स्पॉट नीचे जा रहा है, यहाँ पे कॉल साइड ऊपर है पुट साइड नीचे है, तो वो डेटा बिल्ड हो रहा है नेगेटिव साइड का। तो निफ्टी में कंटिन्यूसली आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो सेल सिग्नल बना हुआ है, तो यहाँ से मैं डेटा नेगेटिव जा रहा है। जैसे आप डिफरेंस इन चेंज इन वाई देख सकते हो, यहाँ पे भी ये कम्प्लीटली नेगेटिव जा रहा है। जब ये जीरो से नीचे होता है मैं सेल साइड की पोजीशंस का डेटा देखता हूँ, अगर ये जीरो से ऊपर होता है तो मैं इंट्राडे में पॉजिटिव साइड में पोजीशंस ढूंढता हूँ। मैं यूजुअली इसमें ऐसे ट्रेड करता हूँ कि मैं 10 बजे तक ये शीट को मॉनिटर करता हूँ, क्या डेटा बिल्डअप हो रहा है, किस साइड पे जा रहा है, ज़्यादा कॉल राइट हो रहे हैं या पुट राइट हो रहे हैं, बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, और फिर जो अपने बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहे होते हैं मैं उनको नोट करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में आता हूँ, मैं यहाँ के हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर देता हूँ वो सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस के ऊपर। वो करने के बाद मुझे क्या होता है, बैंक निफ्टी अगर सपोर्ट पे आ रहा है और मुझे बाई साइड पे रहना है तो मैं सपोर्ट पे आके तुरंत ही बाई कॉल लेता हूँ, और जैसे ही रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी जाता है मैं अपना ट्रेड क्लोज करके निकल जाता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कॉल राइट करके या कॉल बाई करके या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि अगर हमको हमारे तरीके से अगर इसको प्लॉट करना है या तो कस्टमाइज़ करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी है गाइज, आपको अगर अपने तरीके से कस्टमाइज़ करना है आप यहाँ पे एक और शीट ऐड कर दीजिए, आपका वी लुकअप या कोई भी फॉर्मूला लेके यहाँ पे NSE की वेबसाइट पे जो डेटा फैच हो रहा है वही डेटा यहाँ पे आपको एवरी 5 मिनट ऑटोमेटिक हो रहा है। आप यहाँ कोई भी फील्ड कॉपी करके वहाँ पे क्लिक करोगे आपको वो फील्ड वहाँ पे मिल जाएगी। आप एम राउंड या वी लुकअप करके अपने हिसाब से अपनी एक्सेल शीट बना के अपने फॉर्मूला से आप अपना डेटा देख सकते हो। Guys, if you have not liked and subscribed this channel, please do like and subscribe to this channel. I'll keep on posting videos which can be helpful to you in your trading journey. Thank you very much for watching this video. This is Pavrik Trivedi signing off for today.